हेलो दोस्तों, ईजा कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। आइए शुरू करते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाना। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसे मैं अब गैस ऑन कर देती हूँ, इसे मैं गैस उबाल आने के लिए रख देती हूँ। और इसी में से मैंने आधा कप दूध अलग से ले लिया है। इसमें हम कस्टर्ड को घोलेंगे। ये दूध रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। दूध उबाल आ गया है। अब इसमें गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। और इसमें आप मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। आप चीनी को अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इसे हल्का चलाते रहिए। अब मैं इधर कस्टर्ड का घोल तैयार कर देती हूँ। मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। और मैं इसमें अब दूध मिलाकर इसका घोल तैयार कर लूँगी। इसको अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें, इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। इसमें मैंने 1/2 कप दूध पूरा मिला लिया है। और इसको अच्छे से स्मूथली घोल लें, इसमें कोई गुठली ना रहे, क्योंकि यदि इसमें कुछ लम्स रहेंगे तो फिर हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बन पाएगा, उसमें गुठली सी पड़ जाएंगी। तो इसे आप धीरे से, अब मैं इसे दूध में मिक्स करती हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालें। और दूध को दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालें, इससे दूध जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है। अब इसे लगातार चलाते रहें और करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएं। अगर आप इसे चलाते नहीं रहेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और आपका कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं बनते हुए। और इसमें मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया है, क्योंकि बच्चों को वनीला फ्लेवर बहुत ही पसंद है। और इसे चेक करने के लिए आप चम्मच को ऐसे उल्टा कर लें और देख लीजिए, उसमें एक कोटिंग सी अगर बन गई है तो इसका मतलब आपका कस्टर्ड तैयार है। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं हरे अंगूर। इन्हें मैंने 3-4 पीस में कट कर दिया है। और 1/2 सेब लिया है मैंने, इसे मैंने बारीक क्यूब्स में काट दिया है। और 1 मैंने अनार के दाने निकाल लिए हैं, इन्हें इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें पानी वाले फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन और ऑरेंज, उन्हें ऐड ना करें। और इन्हें अच्छे से मिक्स होने दें। और इसमें मैं थोड़े काजू और बादाम, ये मैंने बारीक काट लिए हैं, इन्हें भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें मिला लें, इससे इनका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसे अब मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर सर्व करूँगी। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। और अब मैं इसे प्लेटों में सर्व कर रही हूँ। इसे ठंडा ठंडा परोसे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।